आयोजित होइछि दुई दिनिया ओडिशा विकास कनक्लेव रो चतुर्थ संस्करण बढ़ुवा जनसंख्या एवं से ही वर्गर विकास को नहीं सीवईएसटी पक्षर यह आयोजित होइछि। राज्यर 27 जिले में 2036 बेलू महिला प्रति दुई संतानु कम प्रजनन हार रहा नहीं सूचाई थे प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ कुंडु। से हीपरी रायगढ़ कंधमाल एवं नवरंगपुर जिले में प्रजनन हार जातीय हार ठारु अधिक रहिबो। तेणु परिवर्तनशील जनसंख्या को दृष्टि दे राज्य में थिबा आंचलिक वैषम्य प्रतिहत जरूरी बोली प्रोफेसर कुंडु परामर्श देथिले। जनसंख्या जो आकार रे वर्तमान ह्रास पाउछि एवं गोटे जाति गोटे राज्य गोटे देश गोटे अंचल पाई जीवन काल भितर गोटे मौका मिले जेतेबेले जनसंख्या टिके कमी जाए ए मौकाटा आमको 2036 रे मिलुछि। सेतेबेले ओडिशा रे पुरुष महिला पिला एवं आमर जो माने वयस्क वर्ग अछन्ति तांकर नंबर कौन हबो ताकू नेकिरी आमे आम राज्यर प्लानिंगटा केमती करिबा आमर शिक्षार प्लानिंग केमती हबो आम राज्यर स्वास्थ्य एवं आम राज्यर पोषणर व्यवस्थार प्लानिंग कौन करा जिवो आम राज्यर वयस्क लोकंक पई तांक पई कौन योजना हबा दरकार एवं तांकू कामरे लगेबा भलिया कौन प्रोग्राम हबा दरकार याकू नेकिरी चर्चा। 2036 मसीहा बेलू ओडिशा पालिबो 100 वर्ष पूर्तिर उत्सव मात्र सेतेबेले राज्यर प्रजनन हार ह्रास पाइथिबा बेले वयस्क लोकंक संख्या बढ़िथिबो आउ युवा वर्गंक संख्या मध्ये बढ़िथिबो। राज्यर अधिक वयसर महिला विधवा एवं वृद्धंक रोजगार देशरे कम बोली से कहिबा सहित सेमानंक हिताधिकारी भाबे केवल विवेचना नकरी सेमानंक ज्ञान एवं अनुभव को उपयोग करा जिबा दिगरे नीति प्रस्तुत हेउ बोली मत रखिथिले। एबे होची ओडिशा होची युवक मानक राज्य आगु को जो आवश्यकता हवा को जाउची जेतले युवपीढ़ी कमी जिबे एवं वयस्क लोकर नंबर बढ़ी जाइ थिबो सतल को 36 बेल को से जो समस्याटा आइ थिबो सतल आम देखा पड़ो जे आजिकाली बहुत लोकंर जो जीवन रो बयसटा 60-70 रे लोक बहुत बढ़िया अति आराम रही पार्टी कारण स्वास्थ्य व्यवस्था अन्यान्य व्यवस्था टिके आगु को जाइछि वैज्ञानिक तरीका रे बहुत बढ़ी जाइछि तेणु से लोक को केमती व्यवहार करा जाय परिबो सेतिपय राज्य रे गोटे पॉलिसी हवा दरकार। 60 वर्ष रे रिटायर्ड हो गले जे सरकारी चाकरी रे अछंती आउ जो माने अन्यान्य जो माने साधारण लोक जदि जने बाहर से 60 वर्ष पर जो काम से केमती व्यवहार हो पार लगि पारा हूँ गोटे बड़ बर्तमान आमपाई बड़ आह्वान। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर आर बालकृष्णन नीति आयोग सहकारी परामर्शदाता डॉक्टर मुनिराजु एसपी यूएनएफपीए भारत आवासिक प्रतिनिधि आंड्रिया वाजनर प्रमुख जोग देते मंच महिला एक प्रकृष्ट समय दर्शाई महिला और वरिष्ठ नागरिक मानू कामरे लगाजिबा जरूरी बोली कहिथिले। ऑल इंडिया के तुलना में ओडिशा में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बहुत पहले आ गया था गोवा के इनफैक्ट केरला के भी थोड़ा पहले ही आ गया था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसकी वजह यह है कुछ कुछ जिलों में कोस्टल एरिया में विशेष रूप से ये फर्टिलिटी रेट काफ़ी तेज़ी से कम हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये बाकी जिलों में भी आ रहा है लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये चूँकि फर्टिलिटी रेट बहुत तेज़ी से कम हुआ 20 साल पहले वहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रहा है। एजेड पॉपुलेशन जो है वो नॉर्दर्न एरिया में बालासोर हुआ मलकानगिरी हुआ वहाँ पर उतने तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है और साउथ में भी नहीं है। साउथ में जो हंगरी बेल्ट है कालाहांडी है ये है वहाँ पर भी ये बढ़ नहीं रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एजिंग पॉपुलेशन की समस्या इस समय सिर्फ कोस्टल एंड जो मोर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर है तो ये समस्या सरकार को कुछ सोशल प्रोटेक्शन स्कीम करने पड़ेंगे एजेड लोगों के लिए स्पेशली एजेड महिलाओं के लिए तो कुछ निश्चित रूप से कुछ जिलों में शुरू करना पड़ेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि सारे ओडिशा में भी ये ज़रूरत हो जाएगा क्योंकि 2036 में कम से कम 30-35% घर ऐसे होंगे जहाँ सिर्फ एक ही बच्चा होगा। दुई दिन व्यापी आयोजित चतुर्थ ओडिशा विकास कनक्लेव विभिन्न अधिवेशन में प्रवासी श्रमिक स्वास्थ्य विद्यालय शिक्षा युव दक्षता रोजगार इत्यादि संपर्क में आलोचना होता। राज्यर विभिन्न जिलारु 400 अधिक बुद्धिजीवी शिक्षाविद गवेषक एवं गणमाध्यम प्रतिनिधि प्रमुख जोग दे निजर मत रखिथिले। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।